एक्सरसाइज 5.2 कौन सा फिफ्थ निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन फिफ्थ का, एक समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, पहला पद क्या है 7, दूसरा 13, 19, उसके बाद में डॉट लगाते हुए आखिर में लिखा है 205, उसके बाद में फुल स्टॉप यानी कि बंद है। ठीक है, इसका मतलब वो जो 205 है वो क्या है, आखिरी पद है, और आखिरी पद हमें पता तो नहीं क्या होता है, तो इसलिए क्या मान लेते हैं nवां पद। तो यहां पर पहले a कितना है 7, क्या निकालना है d यानी कि डिफरेंस सारावंतर निकालना है, तो क्या करेंगे दूसरे पद में से पहला पद माइनस हो जाएगा कितना 13, कितना आएगा। अब माना कौन सा एनवा पद कितना 205, एनवा पद क्या होता है ए एन, किसके बराबर है 205 के बराबर। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू में कितना 205। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस एन माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 6, बराबर में कितना 205, प्लस का 7 है तो यहां पर क्या रह जाएगा एन माइनस वन गुना में कितना 6, बराबर में कितना 205, प्लस के 7 थे उधर जाके क्या हो जाएंगे, कितना बचा एन माइनस वन इंटू में कितना 6 इज इक्वल टू 205 में से 7 198 गुना में 6 है एन माइनस वन कितना 198 बटे में कितना 6, 6 × 18 एक फिर कितना एन इज इक्वल टू कितना 33 प्लस में कितना 1 एन इज इक्वल टू कितना 34। ठीक है, तो दी गई एपी में 34 पद हैं। आगे समझ में गई ये सेकंड पार्ट, इसका करो जल्दी से साथ में। सेकंड में फर्स्ट पहला पद कितना है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, और डी निकालना है तो डी कैसे करेगा, कैसे निकलेगा दूसरा पद कितना है 15 सही 1/2, दूसरे पद में से पहला पद क्या हो जाएगा माइनस, तो इनको पहले सॉल्व करना है, तो 15 गुना में 2 कितना 30, 30 और 1 कितना 31, तो 31/2 माइनस में कितना 18। ठीक है, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 2 ही आएगा, क्योंकि यहां पर तो डिवाइड में कुछ है नहीं ना, तो कुछ है नहीं तो क्या होता है 1 होता है, और 1 है तो सिर्फ सामने वाला ही क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, 2 आया कितने पे जाएगा 1 पे, 2 एकम 2 1 पे गया, 1 गुना में 31 कितना 31 माइनस, हाँ यानी कि 2 गुना में कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 36, कितना बचा, हाँ प्लस के 31 है माइनस के 36 है, तो क्या बचेंगे माइनस के कितना 5 अपॉन में कितना 2। ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, जो सवाल दे रखा है उसमें लास्ट आखिर वाला पद है कितना, हाँ आखिर में कितना है माइनस के 47, तो वो क्या कहलाएगा एनवा पद, तो एनवा पद यहां पर कितना आ जाएगा माइनस के 47, माइनस के 47
एनवा होता क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी, 18 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, डी का वैल्यू कितना है माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू कितना माइनस के 47। ठीक है, प्लस का 18 है उधर जाके, तो माइनस के 47 पहले से ही थे, प्लस 18 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 18, और यहां पर मल्टीप्लाई में कितना है माइनस 5 अपॉन में कितना टू, माइनस 5 अपॉन 2 कितने किसी के माइनस के 65। अब देखो ये यहां पर मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 तो कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, और माइनस 5 कहां जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना माइनस का 65 डिवाइड में कितना माइनस 5 डिवाइड में कितना आएगा, और डिवाइड में 2 था वो कहां जाएगा मल्टीप्लाई में। n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसल, कितने पे 13 पे है ना, 13 5 65 13 गुना में 2 कितना 26, तो माइनस का 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। तो दी गई श्रेणी में, दी गई एपी में कितने पद हैं 27 पद हैं। आ गया समझ में क्या ये। नेक्स्ट देखो क्या है, क्या एपी, एक एपी दे रखी है आपको जिसमें पहला पद 11, दूसरा कितना है 8, फिर कितना है 5, फिर कितना है 2, इस तरीके से अगर लिखते हुए आए तो कितना माइनस का 150, ये इसका एक पद होगा या नहीं होगा, आगे बात समझ में क्या। तो अगर ये इस श्रेणी में आया तो कहीं ना कहीं पे तो आएगा, मतलब हो सकता है 10वें स्थान पे आए, 15वें पे आए, 50वें पे आए, 100वें पे आए, तो इसको क्या मान लेते हैं एनवा पद मान लेते हैं। कौन सा पद मान लेते हैं, तो माना ये कौन सा पद कहलाएगा एनवा पद कहलाएगा। एनवा पद मान लो तो कितना आता है माइनस के 150। एनवा पद होता क्या है ए एन, कितना माइनस के 150। ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू ऊपर से लेनी है, कितना है जो सबसे पहले है वही ए है, तो ए कितना है 11, डी कैसे निकलता है दूसरे पद में से पहला पद कितना माइनस के 3, ए की वैल्यू कितनी है 11, प्लस में एन पता नहीं, डी कितना है इजिकल टू कितना है, तो प्लस के 11 है उधर जाके क्या हो जाएंगे एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में कितना माइनस 3 इजिकल टू कितना माइनस के 150 और माइनस के 11 कितना माइनस के 161। और ये यहां पर क्या है मल्टीप्लाई में है माइनस 3, माइनस से माइनस, माइनस का 1 है उधर जाके, तो एन इजिकल टू कितना 161 बटे में कितना 3 प्लस में कितना 1, यही होगा माइनस का 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, एलसीएम लो कितना आएगा 3, कितना 161 प्लस में नहीं 3 एकम 3 कितना 100 बटे में कितना कितने पे जाएगा 3 पंजे कितना रह गया 1, आगे कितना 4 14, 3 चौके 12, कितना रह गया 2, 3 छिके 18, आगे भी चलता ही जाएगा, आगे समझ में क्या। तो n का मान क्या आया 54.6 आया। n क्या होता है पद होता है, तो पद हमेशा क्या होगा या तो पहला पद होगा या दूसरा होगा या तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां,
साढ़े पांचवा पद तो नहीं होगा ना, यानी जो पदों का मान है यानी जो n का मान है वो हमेशा ही क्या आएगी, एक कैसी आएगी, प्राकृतिक संख्या आएगी, कैसी आएगी, प्राकृतिक संख्या। ये है क्या प्राकृतिक संख्या? तो n इज इक्वल टू 54.6 संभव नहीं है। इसका आगे लिखना पड़ेगा, n का मान 54.6 संभव नहीं है। कारण क्या दोगे? क्योंकि हाँ यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, कि n का मान हमेशा क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, अगर n का मान प्राकृतिक संख्या आ जाता, 54 आ जाता, 55, 56 कुछ भी आ जाता, तो फिर ये माइनस का 150 इसमें मिलता हमें। आगे बात समझ में क्या? तो आपको यहां पर कोई भी एक रकम दे दे कि ये रकम इस श्रेणी में आएगी या नहीं आएगी, तो आएगी तो किसी ना किसी जगह पे ही आएगी, तो हम हमेशा ही क्या लेके चलेंगे, उसको एनवा पद लेके चलेंगे, एन का मान निकालेंगे। एन का मान अगर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में तो क्या आता है, जीरो आता है, पूर्ण संख्या में क्या आता है, लेकिन जीरो तो कोई पद नहीं होता, हमेशा क्या होता है, पहला पद से स्टार्ट होता है ना, तो इसलिए फिर क्या लेना पड़ेगा, प्राकृतिक संख्या लेनी पड़ेगी, कि n का मान क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, इसके अलावा अगर और कोई मान आ रहा है तो फिर वो संभव नहीं। अगला सम देखो क्या है, कौन सा पद निकालना है, 31वां क्या होता है, a 31, ये निकालना है ना, 31वां पद होता है किसके बराबर है, a प्लस में 30b, ये पता लगाना है कब, जब क्या दे रखा है, 11वां पद, तो 11वां पद कितना, हाँ 11वां पद होता क्या है, a प्लस 10d, कितने के बराबर है, 38 के बराबर, और 16वां a प्लस में कितना, ये कितने के बराबर है, 70, ठीक है, आगे समझ में गए यहां तक, सिर्फ सोल्व करना है, ये दो समीकरण है a और d में, ठीक है, तो ये भी प्लस का a है, ये भी प्लस का a है, कैंसिल हो जाना चाहिए, अकेला बचे या तो a बचे या क्या बचे, d बचे, तो a बराबर है इसलिए a को काट देते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा घटाने पर, क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर, जब घटाने पर लिखते हैं तो नीचे जो रकम है, नीचे जो समीकरण है उसके निशान क्या होंगे, बदल जाएंगे, तो जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी प्लस का है माइनस, ये भी प्लस का है, ये प्लस का a और ये माइनस का a, कैंसल, प्लस के 10d माइनस के 15d माइनस के 5d इज इक्वल टू प्लस के 38 और माइनस के 73 कितना, हाँ तो 13 में से 8 कितना, 5, यहाँ पे कितना, 6, 6 रहा ना यहाँ पे, तो 6 में से 3 कहाँ आया माइनस के 45, क्या हुआ, तो हमें क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस के 35 और ये माइनस 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, 5 एकम 5, 5 7 35, डी का मान कितना आ गया, 7, आ गया समझ में क्या, तो डी का मान या तो समीकरण एक में रखो या समीकरण दो में रखो, तो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम समीकरण एक, इसका नाम समीकरण दो, किस में रखोगे, तो लिखना पड़ेगा डी का मान समीकरण एक में रखने पर कितना था, a प्लस 10d इजिकल टू कितना था, 38, तो a प्लस 10d कितना है, 7, इजिकल टू कितना, 38, तो 10 गुना में 7, 70, बराबर में कितना है, 38, a कितना, 38, ये प्लस के 70 उधर जाके क्या हो जाएंगे, कितना बचा, a इजिकल टू कितना आया, माइनस के
32। ए का मान आ गया, बी का मान आ गया। अब चाहे आपसे कोई भी कौन सा भी पद पूछे, इसने पूछा कौन सा था, 31वां। तो 31 में मैं निकालना है तो ए की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 32 प्लस में कितना है 30 गुना में डी। डी का मान कितना है 7, तो कितना आया माइनस के 32 30 गुना में 7 प्लस के 210। तो प्लस के 210 हैं और माइनस के 32 हैं, किसी के तो प्लस के 178। ठीक है, आंसर आ जाएगा। आगे समझ में क्या? तो अब जो इसके आगे के सवालों में लगभग यही मिलेंगे कि आपको दो समीकरण बने, वहां से क्या निकालना है, ए और डी का मान निकालना है, फिर चाहे वो आपसे कौन सा भी पद पूछे आप पता लगा सकते हैं। कैसे हो जाएगा 210 तो पहले से था, उसमें से 32 कम होने हैं। हाँ, मेरे ख्याल में कैलकुलेशन ज्यादा कर ली तूने छुट्टियों में। कौन सा करना है, आठवां? एक एपी में कितने पद हैं? एक एपी में 50 पद हैं, इसका मतलब आखिरी वाला पद कितना होगा, 50वां पद होगा। ठीक है, आगे और क्या लिखा है, तीसरा पद, तीसरा पद होता क्या है, ए प्लस टू डी कितने के बराबर है, 12 के बराबर। और क्या दे रखा है, अंतिम पद कितना है, 106। तो अंतिम पद कितना होगा, ए प्लस 40। क्यों होगा, क्योंकि कुल पद ही कितने हैं, 50 है, तो जो 50वां पद होगा वो क्या होगा, अंतिम पद होगा। ठीक है, तो अंतिम पद क्या होता है, लास्ट होता है ना, तो लास्ट यानी कि हिंदी में लिख लेना आप क्या लिखोगे, अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या मिलेगा, ए 50 मिलेगा। तो ए 50 किसके बराबर होगा, ए प्लस में कितना, 49 डी। एक बार फिर दोनों समीकरणों को हल करना है, ठीक है, सेम है, क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर। तो ये प्लस का था माइनस, ये भी प्लस का है माइनस, ये भी प्लस का है माइनस, कैंसल, प्लस के 2d है, माइनस के, माइनस के 40 कितना, किसी के माइनस के 94। डी की वैल्यू चाहिए आपको, तो माइनस के 94 डिवाइड में कितना, माइनस का 47। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 दूना कितने, 94। तो डी का मान कितना आ गया, कहाँ रखोगे, हाँ इसका नाम क्या देंगे, समीकरण एक, इसका नाम क्या देंगे, समीकरण दो। तो वही लिखेंगे लाइन, डी का मान समीकरण दो में रखने पर। ठीक है, रखो, एक में रख लो, एक में रखने पर कितना, ए प्लस टू डी इजिकल टू कितना था, 12। ए प्लस में कितना, 2 मल्टीप्लाई में 2 इजिकल टू कितना, 12 कितना, 12 कितना, कितना, ए का मान कितना आ गया, 8, और डी का मान कितना आ गया। अब इससे आगे देखते हैं पूछता क्या है, कौन सा, तो 29वां होता कौन सा है, 29वां पद क्या होता है, ए प्लस में कितना, 28 डी। ए का मान कितना है, 8 प्लस 28 गुना में, डी का मान कितना है, 2। तो 28 गुना में 2 और 56 और 8, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में क्या, तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ 4 ही पैरामीटर हैं, ए होगा, डी होगा, एन होगा और क्या होगा, ए एन होगा। अगला क्या है बोलो, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और
कर्मशय का मतलब क्या है, जो पहले आया है वो पहला, दूसरा है जो दूसरा, तो तीसरा पद कितने के बराबर होगा फिर? चार के बराबर ना। तीसरा पद किसके बराबर है? और कौन सा पद दे रखा है? नौवां। नौवां कितने के बराबर है? माइनस आठ। आगे समझ में क्या? तो तीसरा पद होता क्या है और नौवां क्या होता है? एक बार फिर वही, ठीक है। ये समीकरण पहला हो जाएगा, ये समीकरण दूसरा। क्या करेंगे? घटाने पर ये माइनस ये प्लस, ठीक है। नीचे सभी के निशान चेंज हो जाएंगे। प्लस का ए है, माइनस का ए है, प्लस के टू डी है, माइनस के ए डी है, माइनस के प्लस के फोर हैं, प्लस के एट हैं, प्लस के कितने आ जाएंगे? ट्वेल्व। डी इज इक्वल टू कितना आएगा? ट्वेल्व डिवाइड में कितना? माइनस सिक्स। तो छः कम छः, छः दूना, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। डी का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण एक में। तो ए प्लस में कितना? टू डी कितने के बराबर था? चार के बराबर। तो ए प्लस में टू मल्टीप्लाई में डी का वैल्यू कितना है? कितना? फोर। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस दो गुना में दो इज इक्वल टू कितना? माइनस के फोर है उधर जाके, तो ए इज इक्वल टू कितना? फोर प्लस फोर कितना? ए का वैल्यू आ गया, बी का आ गया। अब सवाल पूछता क्या है? कौन सा पद? तो माना एनवा पद, माना एनवा पद क्या होगा? शून्य, ठीक है। एनवा पद होता क्या है? ए एन जीरो। ए एन का फार्मूला क्या होता है? इजिकल टू कितना? जीरो। ए का वैल्यू ढूंढो कितना? आठ। प्लस एन माइनस वन। डी का वैल्यू माइनस टू इजिकल टू कितना? ये प्लस के एट है। एन माइनस वन मल्टीप्लाई में कितना? माइनस टू इजिकल टू कितना? ये यहां पर मल्टीप्लाई में गुना में है ना, तो एन माइनस वन इजिकल टू कितना? माइनस एट डिवाइड में कितना? माइनस टू। माइनस से माइनस कट गया, दो एकम दो, दो चौके आठ। एन माइनस वन इजिकल टू कितना? फोर। एन इजिकल टू कितना? फाइव। तो पांचवा पद शून्य होगा। आ गया समझ में क्या? तो जब भी कौन सा पूछा है तो हमेशा ही क्या मान के चलना है? माना एनवा पद, जितना पूछ रहा है उसका सामने रख दे। अगला देखो दसवां क्या है। ठीक है, अब आपको क्या करना है देखना, जैसे सवाल कहता है उसी हिसाब से काम करना है। अगले सवाल में दसवें में देखो क्या कहता है। एपी का स्तारवा पद, उसके दसवें पद किसी एपी का स्तारवा पद, तो कितना? ए स्तारा किसके बराबर? दसवें पद, दसवां पद, दसवां है, दसवां कौन सा? दस से कितना अधिक है? तो दसवें पद में सात जोड़ना पड़ेगा, ये बनेगा। किसी एपी का सतारवां पद क्या है? दसवें पद से सात अधिक है, यानी कि दसवें पद में अगर सात जोड़ते हैं तो फिर क्या बनता है? सतारवां पद बनता है। सतारवां पद होता क्या है? दसवां क्या होता है? प्लस में कितना है? प्लस का ए इधर आके क्या होने वाला है? ए से ए तो 16 डी, ये इधर आके बराबर में कितना? 16 डी में से 9 डी, हाँ सारे बोल ले, उसके बाद में बचेगा जो लिख लेंगे। तो 7 डी बराबर 7, तो डी बराबर कितना? 7 बटा 7 कितना? ए, ठीक है। आगे सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है आगे, और बस यही निकालना था। आगे समझ में क्या ये? तो जैसा सवाल कहता है वैसा ही काम करना है,
अगर ये आपने सही लिखा तो उसके बाद में आंसर में फिर कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे समझ में क्या? अगला देखो क्या है। कौन सा? ग्यारहवा। एपी दे रखी है ना, एपी क्या दे रखी है? 3, 15, 27। हाँ, इस तरीके से एपी है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद? तो माना एनवा पद। कौन सा? माना एनवा पद। क्या होगा? 54वें पद से, यानी कि A54। 54वें पद से कितना अधिक होगा? तो 54वें पद में अगर 132 जोड़ेंगे तो फिर अपना क्या आएगा? एनवा पद आएगा। बना लोगे क्या समीकरण ये? तो क्या माना एनवा पद, ठीक है, माना एनवा पद क्या होगा? 54वें पद से कितना होगा? 132 अधिक होगा। तो एनवा पद क्या होता है? An बराबर में कितना? A54 प्लस में कितना? 132। एनवा क्या होता है? A प्लस इंटू में बराबर 54वां क्या होता है? A प्लस, प्लस में कितना? ये प्लस का A है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का A, ये तो कट गया। N माइनस 1 इंटू में D, ये प्लस के 53D हैं, इधर आ जाएंगे माइनस के 53D इजिकल टू कितना? 132, ठीक है। D वाला एक साइड लेके आया हूँ, दोनों में से कॉमन क्या आता है? D। क्या रह जाएगा? और 53। हाँ, साइन माइनस 50 इजिकल टू कितना? 132। डी ब्रैकेट में एन कितना? माइनस के 54 इजिकल टू कितना? 132, ठीक है। डी चाहिए, ऊपर से दिलवाओ डी। कैसे? 15 माइनस में कितना? 3। कितना लिख दूं यहां पे? तो यहां पर कितना? n माइनस 54 इजिकल टू कितना? 132 बटे में कितना डी? ये गुना में था, भाग में चला गया। डी की वैल्यू कितनी बताई? तो n माइनस 54 इजिकल टू कितना? 132 बटे में कितना? 12। 12 एकम 12, एक रह गया, 12 एकम 12। तो n माइनस 54 इजिकल टू कितना? 11। n इजिकल टू कितना? 11 प्लस में कितना? 54। कितना? 60। तो 65वां पद कौन सा पद? 65वां पद 54वें पद से क्या होगा? 132 अधिक होगा। आगे समझ में गई? तो आपने अगर ये समीकरण ठीक बना लिया तो उसके बाद में आपसे सारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न के हिसाब से करना है, तो इसमें लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिख सकते हैं? तो इससे ऊपर आप लिख सकते हो ये प्रश्नानुसार। प्रश्न नहीं कहा है ना कैसा कि एनवा पद क्या लेना है, 54वें पद से कितना लेना है? 132 अधिक लेना है। अगला देखो क्या है। कौन सा? 12वां। दो समांतर श्रेणियों का सारव अंतर समान है। दो श्रेणियां तो दो हिस्से कर लेते हैं, ठीक है। पहली श्रेणी में मान लो ए ले लेते हैं, ए पहला पद ए ले लिया, और क्या ले लिया? डी ले लिया, ठीक है। दूसरी श्रेणी है उसमें पहला पद ले लेते हैं कैपिटल ए, लेकिन डी तो दोनों में सेम है, तो डी तो डी ले। समझ में आया क्या? पहली लाइन यही कह रही है ना। पहली लाइन क्या कहती है? दो समांतर श्रेणियों का सारव अंतर समान है, तो मतलब जितना यहां पर है उतना ही वहां पर है। तो इसका मतलब डी अगर यहां पर है तो वहां पर भी कितना है? डी। लेकिन उसने पहले पद के बारे में नहीं बताया, तो इसका पहला पद क्या ले लेते हैं? स्मॉल ए,
उसका पहला पद क्या ले लेते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो इसके ऊपर पहले आपको लिखना पड़ेगा, माना पहली समांतर श्रेणी का पहला पद बराबर ए, ठीक है, सार्वांतर बराबर डी, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद कितना कैपिटल ए, सार्वांतर कितना डी। अब क्या कहता है ये आगे, अगली लाइन में पढ़ो क्या है, यदि इनके सौवें पदों का अंतर, तो इसका सौवां पद क्या आएगा, सौवां पद यही आएगा, इसका सौवां पद मान लो क्या ले लेते हैं, यही आएगा, इसका सौवां पद किसके बराबर आएगा, ए प्लस, और इसका सौवां पद क्या आएगा, कैपिटल ए प्लस डी, तो छोटा ही लिख लो ना, ठीक है, इन दोनों का अंतर, उसने क्या कहा है, सौवें पद का अंतर ना, तो सौवां पद माइनस में सौवां पद कितने के बराबर है, देखना भाई, सौ के बराबर क्या, तो सौवां पद माइनस में सौवां पद कितने के बराबर, सौ के बराबर। ये लाइन पढ़ लो अच्छे तरीके से, समझ में आ गई क्या ये, कि इनके सौवें पदों का अंतर, तो इसका सौवां पद माइनस में इसका सौवां पद कितने के बराबर, 100 के बराबर। चलो सौवें पद की वैल्यू पुट करो, ए प्लस 99 डी माइनस कैपिटल ए प्लस में कितना 99 डी बराबर में कितना 100, ब्रैकेट खोल दो, ए प्लस 99 डी माइनस का ए माइनस के 99 डी बराबर में कितना 100, ये प्लस के 99D, ये माइनस के 99D, फट गया, क्या बचा, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए कितने के बराबर, इतना ही लिखना, आ गया समझ में क्या, ये मेरे पास अभी आंसर नहीं आया है, ये मेरे पास सिर्फ रिलेशन आया है क्या, स्मॉल ए और कैपिटल ए में, कि ए माइनस ए बराबर कितना है 100। अब पूछ क्या रहा है वो देखो, इनके हजारवें पद का अंतर निकालना है, कौन से पद का निकालना है, तो पहले इसका हजारवां पद बताओ क्या होता है, ये ना, कितने के बराबर, ये ना, इसका हजारवां पद आगे बात समझ में, इन दोनों का क्या करना है, अंतर करना है, तो यानी कि इसका हजारवां पद माइनस दूसरी श्रेणी का हजारवां पद कहाँ इक्वल टू हजार आएगा, वो तो ढूंढ रहे हैं ना, वो आएगा या नहीं आएगा, पहले ये तो कर लेने दे, तो हजारवें पद का अंतर निकालना है, तो इसका हजारवां पद माइनस में इसका हजारवां पद, इसका हजारवां पद ये आपने बताया कितना, ए प्लस में 999 डी माइनस कैपिटल ए प्लस में कितना 999 डी, ए प्लस में कितना 999 डी, ब्रैकेट खोलो, माइनस ए माइनस के 999 डी, प्लस के 999 डी माइनस के 999 डी, क्या बचा, ए माइनस कैपिटल ए, और ए माइनस कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है 100, तो कितना आएगा 100 ही आएगा, ठीक है, तो सौवें पद का अंतर दे रखा था 100, इसका सौवां पद ए प्लस 99 डी, इसका सौवां पद कैपिटल ए प्लस में 99 डी, डी दोनों में सेम क्यों है, क्योंकि दे रखा है, दोनों का डी क्या है, सार्वांतर क्या है, एक जैसा है, तो स्मॉल डी यहां पर आएगा, यहां पर भी क्या आएगा, स्मॉल डी आएगा, पहले पद के बारे में पता नहीं था, तो इसका स्मॉल ए ले लिया, इसका क्या ले लिया, कैपिटल ए ले लिया, प्रश्न ने कहा कि सौवें पद का अंतर क्या है, 100 के बराबर है, इसका सौवां पद ये, इसका सौवां पद ये, इसको जब मैंने हल किया तो मेरे पास ये बचा क्या, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर में कितना 100, पूछा क्या इसने, इसने पूछा कि हजारवें पदों का अंतर कितना आएगा, तो इसका ढूंढा हजारवां पद क्या होता है, ए प्लस 999 डी, इसका हजारवां पद क्या होगा, कैपिटल ए प्लस में कितना 999 डी, दोनों का आपस में क्या करना है माइनस, तो हजारवें पद में से हजारवां पद माइनस कर देंगे, ए प्लस 999 डी माइनस में कितना कैपिटल ए प्लस में 999 डी,
999 डी से 999 डी कैंसिल हो गया, क्या बचा ए माइनस ए, और इसकी वैल्यू हमें पता है 100। तो हजारवें पद का अंतर भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। इसका मतलब चाहे दसवें पद का अंतर ले लो इनका तो भी 100 ही आएगा, 50वें पद का अंतर ले लो तो भी 100 ही आएगा, 500वें पद का अंतर ले लो तो भी 100 ही आएगा। आ गया बात समझ में क्या, कि प्रत्येक दोनों के जो एक जैसे पद हैं उन दोनों का अंतर हमेशा ही क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये डायरेक्ट आपका ऑप्शन टाइप में आ सकता है, ठीक है, कि अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर 1000 नहीं होगा। आ गया समझ में, 1000 नहीं आया ना यहाँ पर है? कौन सा तीन अंकों वाली, तो तीन अंकों वाली सबसे पहली संख्या होती कौन सी है, 100। तीन अंकों वाली सब पहली संख्या कौन सी होती है, 100। आखिरी तीन अंकों वाली संख्या कौन सी, 900। लेकिन तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी 7 से भाग कौन सी होती है, तो सबसे पहले 7 से भाग होने वाली संख्या देखनी है। 105। तो कितना इसको अगर भाग करोगे आप तो 7 एकम 7 कितना 3, 7 चौके 28 कितना 2। ये तो क्या है 2 ज़्यादा है, है ना, लेकिन इसमें 5 और जोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा भाग हो जाएगा, यानी 100 में 5 जोड़ दो आप, या तो 2 कम कर दो तो पूरा भाग हो जाएगा, या फिर जितना कम रहता है उतना और पूरा कर दो, तो 2 कम करोगे फिर तो 98 हो जाएगा, तो वो तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमें क्या करना है, ज़्यादा 3 अंकों वाली लेनी है तो 5 जोड़ने पड़ेंगे, तो पहली 7 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है, फिर कौन सी, 112। अब 7 से होनी है तो 7 के पढ़ाई चलेगा, तो हर एक में 7 जुड़ता चलेगा, तो कितना लास्ट में, अब 999 को देखो, 7 एकम 7 कितना 2, 7 चौके 28 कितना 1, 7 दूना 14 कितने 5 ज्यादा है, यहाँ पर कम करने पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर आपने 2 और आगे बढ़ा दिए तो फिर तो क्या हो जाएगी, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो 5 इसमें से कम कर दो, कितना 900। ये पहली संख्या, ये आगे फिर ये कौन सी एनवी, कौन सी एनवी संख्या, ठीक है, तो माना एनवा पद, माना कितना 994। एनवा पद होता क्या है ए एन, कितने के बराबर 994। एनवे पद का फार्मूला बराबर में कितना 994। ए और डी चाहिए 100 डी, तो 112 में से 105 यानी कितना, अगर 7 के पाड़े वाली पूछ रही है तो डी 7 ही आएगा, अगर 5 से भाग होने वाले पूछ रहे हो तो डी का मान कितना आएगा 5, 4 से भाग करवानी है 4, तो 112 माइनस में कितना 105 कितने आ जाएगा, रख दो यहाँ पर ए का मान प्लस एन पता नहीं डी बराबर में 900, n माइनस 1 गुना में कितना 7, 994 प्लस के 105 है माइनस के 105, n माइनस 1 इंटू में कितना 7, कितना बचा 994 में से 100 गए 894, 894 से 5 और कम कर दो 889 डिवाइड में कितना 7, कितने पे 7 एकम 7, एक रह गया 18, 7 दूना 14, 4 सत्तू 49, एन इज इक्वल टू कितना 127 जमा में कितना 1, तो एन की वैल्यू कितनी 128। तो 128 ऐसी संख्याएं हैं जो तीन अंकों की हैं और किससे भाग होती हैं 7 से भाग होती हैं। अगर ये 2 अंकों की दी होती तो
हाँ तो पहले कहाँ से, 10 से लेकर और कहाँ तक आते हैं, 99 तक। तो 10 तो होता नहीं 7 से भाग, तो पहली कौन सी आती, 14। पहली यहाँ पर कौन सी आती फिर, तो ए का मान कितना हो जाता, 14। बी का मान तो कितना रहता, 7। अगर 7 का पाड़ा ले रहे हैं तो क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। और आखिर में लास्ट क्या था, 99 था। 99 तो 7 से भाग नहीं होता ना, क्या होता है, 98 होता है। तो लास्ट वाला पद क्या होता, 98 होता। तो वही एनवा पद क्या मानते, 98 मानते। तो वहां से भी आपके पास एन की वैल्यू आ जाती है। कर लोगे ये? तो इसमें चाहे 7 से भाग करवाओ, चाहे 4 से करवाओ, 5 से करवाओ, चाहे 2 अंकों वाली करवाओ, चाहे 3 अंकों वाली, ठीक है, आपको एन ही निकालना है। और एन कैसे निकालना, आखिर वाला जो एनवा पद वो रख के फॉर्मूले में लगाना है। अगला देखो 14 क्या है, अब कहां से कहां तक है, 10 और 250 के बीच, 4 के गुणज, 4 के गुणज वही होते हैं जो 4 से भाग होते हैं, ठीक है। तो गुणज और विभाज्य एक ही बात है कि जो 4 के पाड़े में आ रहा है वो उसका गुणज भी है और वो संख्या क्या है, 4 से भाग भी होती है। तो पहली संख्या कौन सी आएगी, फिर लास्ट में कौन सी आएगी, तो इसको 4 से भाग कर लो, 4 छके 24, 1 10, 4 दुना 8, 2 ज्यादा है तो कितना, 200। तो माना एनवा पद क्या है, 248 के बराबर है। एनवा ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी कितना, 200। ए का मान ढूंढो यहां से, ए का मान कितना है, डी का मान कितना है, तो अगर 4 के गुणज पूछे तो डी का मान कितना आएगा, 4। ए की वैल्यू प्लस डी का मान कितना, एन माइनस वन इंटू में कितना, 4। 248 प्लस के 12 माइनस के, एन माइनस वन इंटू में कितना, 4 इज इक्वल टू कितना, 248 में से 12, 236। एन माइनस वन कितना, 236, गुना में 4 था तो एन माइनस वन कितने पे, 5, 4 पंजे 20, 3 रह गए, 3 और 6 36, 4 निमे 36 कितना, ठीक है। तो 10 से 250 के बीच, 10 से 250 के बीच 60 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 के गुणज हैं, ठीक है। ये आखिर में लाइन लिख देना तो आपका पूरा हो जाएगा, ये आ गया समझ में क्या, ये पंद्रवा दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं आपको, कौन कौन सी, एक तो ये है 63, 65, 67 इस तरीके से, और दूसरी कौन सी दे रखी है, 3, 10, 17 ये दे रखी, ठीक है। क्या कहता है कि n के किस मान के लिए इनके nवें पद बराबर होंगे, इसका nवां पद और उसका nवां पद बराबर रखना है, यही बोला है ना उसने, इसने इसका एनवा पद मान लेते हैं कैपिटल ए एन, इसका एनवा पद क्या मान लेते हैं स्मॉल ए एन, ठीक है। इसका ए कितना है 63, तो कैपिटल ले लें, बड़ा ले लेते हैं यहाँ पर, डी कैपिटल डी ले लेते हैं कितना, 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा, वहाँ ढूंढते हैं ए की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू, तो इसका एनवा पद कितना, ए प्लस में कितना एन माइनस वन इन टू में डी, ए कितना एन पता नहीं, डी कितना, ये क्या हो गया इसका एनवा पद, और अच्छे से लिख लो, मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, 7n माइनस के 7 ए एन इज इक्वल टू कितना, प्लस का 3 है माइनस के 7,
तो 7n और क्या रह गया माइनस का 4, ठीक है। इसका n-वां पद देखते हैं कितना, a प्लस 63 प्लस ठीक है, इसका n-वां पद निकाल दिया, उसका n-वां पद निकाल दिया, और ये कहता है इन दोनों को क्या रखना है, बराबर रखना है, ठीक है। n का मान आ जाएगा अपने पास, तो क्या हो जाएगा, लिखना है प्रश्नानुसार, क्या लिखना है, तो क्या करना है, कैपिटल ए एन बराबर में क्या रखना है, स्मॉल ए एन कितना बराबर में कितना, तो 7n तो उधर है, प्लस का 2n उधर जाके क्या हो जाएगा, और सामने कितना है 61 तो है, ये माइनस के 4 उधर आके, तो 7n माइनस 2n 5n कितना n कितना आ जाएगा। तो इसका 13वां पद और इसका 13वां पद एक जैसे आएंगे, यही कहा था ना उसने, उसने पूछा था कि n के किस मान के लिए इन दोनों के nवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे, तो मुझे n पता लगाना था कि कौन सा पद इन दोनों का क्या होगा, एक जैसा होगा। तो मैंने इसका माना nवां पद इसका, और इसका भी nवां पद दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो nवां पद बराबर, nवां पद रखा, निकाल लोगे nवां पद पहले, क्योंकि आपके पास a है और d है, तो n तो nवां पद तो n के रूप में ही आएगा, तो इसका भी nवां n के रूप में, इसका भी nवां n के रूप में। देखो यहां पर भी स्मॉल n लिया, यहां पर भी स्मॉल n लिया, जबकि a और d मैंने अलग अलग लिए, क्यों, क्योंकि nवां पद तो बराबर ही रखना था ना, तो इसका nवां पद और इसका nवां पद क्या रखना था, बराबर रखना था, तो n की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो इसलिए दोनों साइड में क्या लगाया गया, स्मॉल n लगाया गया। आगे समझ में ये 16वां क्या है, क्या बताना है, एपी बतानी है। एपी कैसे बताई जाती है, दो तीन संख्याएं लिख के आगे डॉट लगा के छोड़ देंगे, ये होती है ना एपी, जिसमें क्या करना है, तीसरा पद 16 है, तीसरा पद कितना है, तीसरा पद होता क्या है, ए प्लस, ए प्लस 2d इजिकल टू कितना 60। और बताओ, और कुछ भी लिखा होगा, सातवां पद पांचवें पद से, तो प्लस में क्या करना पड़ेगा, सातवां होता क्या है, इक्वल टू पांचवां क्या होता है, प्लस में कितना है, 6d माइनस इक्वल टू कितना, 2d। तो डी का मान कितना आ गया, 6। डी का मान यहाँ पुट कर दो, ठीक है, इसका नाम समीकरण एक दे देते हैं, तो डी का मान यहाँ पे रखेंगे, तो ए प्लस में कितना, 2 गुना में, डी का मान कितना है, 6 बराबर में कितना, ए प्लस में कितना, 12 बराबर में कितना, 16 ए बराबर में कितना, 16 माइनस 12 ए बराबर में कितना, ए आ गया, डी आ गया, क्या पूछी है, एपी पूछी है, तो एपी पूछने के लिए तीन चार पद लिख के और आगे डॉट लगा के छोड़ना है, ठीक है। तो पहला पद कितना है, तो एपी क्या बनेगी, 4। फिर कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, तो 4 में 6 10 और 6 बस ये आ जाएगी। आगे समझ में क्या, तो यानी कि ए और डी अगर आपके पास आ जाएगा, तो एपी अगर आपको दिखानी है, तो पहले दो तीन पद लिख के उसके हिसाब से, और फिर आगे आप डॉट लगा के छोड़ सकते हो कि ये आपकी एपी है। कौन सा, 17वां, एक एपी दे रखी है आपको,
इस तरीके से चलती जा रही है, लास्ट में कितना है 253। ठीक है, क्या पूछा है, कहाँ से अंतिम पद से 20 वां पद। तो अगर सिर्फ अंदाजा ले लेते हैं कि मान लो अगर ये 50वां पद है, ठीक है, तो इससे पहले वाला पद क्या होगा 49वां, उससे पहले वाला क्या होगा 48वां, तो यहां से 20वां पद कौन सा आएगा, क्या निकालना है, अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो अपने को अगर ये पता हो कि ये 50वां पद है, ठीक है, तो उससे 20वां पद तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये पता ही ना हो कि ये कौन सा पद है तो फिर 20वां पद ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पर 50वां है तो इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस एपी को ही पलट देना है ताकि हम पीछे से ना निकालने की बजाय आगे से ही 20वां निकाल लें। आगे बात समझ में क्या, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर वापस लिखना स्टार्ट करो, पहले गैप कितने का है, पांच का है ना, तो इससे पहले वाला पद क्या आया होगा, 200, यही आया होगा, उससे पहले वाला क्या आया होगा 200। तो इस एपी को ना आप पलट दो, ठीक है, कितना 253 क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा, फिर कितना 248 दूसरा पद, इस तरीके से चलती जाएगी और आखिर में कहां पे खत्म हो जाएगी, 13, 8 और 3 पे जाके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अंतिम से अगर 20वां पद निकालना है तो या तो मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूं उल्टे तरीके से, और या फिर मैं क्या कर देता हूं, एपी को ही पलट देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वो शुरुआत से ही क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। तो यहां पर ए कितना है, 253। हाँ, आपने तो पढ़ना है, इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ, इसको समझाओगे कैसे, कैसे लिखेंगे इसको बताओ, एपी को पलट भी अंतिम से 20वां पद, तो यहां पे आगे लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा क्या, कि दी गई एपी को पलटने पर शुरुआत से पहला पद, आरंभ से पहला पद, आरंभ से पहला 20वां पद हो जाएगा। फिर ये आगे समझ में क्या, कि अंतिम 20वां पद क्या होगा, अंतिम पद से 20वां पद अगर आपको निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, बराबर में क्या, एपी, दी गई एपी को पलटने पर, यानी कि अंतिम पद से शुरुआत करने पर, अंतिम पद से शुरुआत करने पर शुरुआत का जो 20वां पद होगा वो क्या होगा, अंतिम पद से 20वें पद के बराबर होगा। ये लाइन उसको समझा देना, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा काम ना करना पड़े। शुरुआत से 20वां निकालना, 20वां निकाल सकते हैं ना। तो ए कितना है, 253, डी कितना है, हाँ डी में ही अंतर आएगा यहां पर, है ना, कितना आएगा, माइनस के कितने आएंगे, तो क्या निकालना है, 20वां पद निकालना, कौन सा निकालना है, तो 20वां पद होता क्या है, a प्लस 19d, a का वैल्यू 253 प्लस में 19, d का वैल्यू 253 प्लस माइनस 19 गुना में 5, 95, 19 गुना में 5 कितना, तो प्लस के 253 और माइनस के 95, कितना 8, कितना 5, कितना 1, किस चीज़ का, प्लस का। तो ये आ जाएगा आपका अंतिम से 20वां पद क्या आ जाएगा, ठीक है।